चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सिर्फ एक महीने के अंदर ही कम से कम 16 लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा कर चुके हैं। इसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शामिल है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, जिसके बाद से अब तक करीब 5,10,718 लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 8 मई से अब तक 5,53,980 यात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। सिर्फ बद्री केदारनाथ धाम की बात करें तो अब तक कुल 10,64,698 यात्री अब तक यहां आ चुके हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 4 जून से अब तक 27,090 यात्री पहुंच चुके हैं। इससे पहले 2019 में यात्रा के पूरे सीजन में करीब 34 लाख श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हुए थे, जिसके बाद 2020 और 2021 में कोविड के चलते यात्रा बंद रही थी और इस साल यात्रा शुरू होने के सिर्फ एक महीने के अंदर ही 16 लाख यात्री चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। साथियों, 4 जून तक यात्रा 16 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। वाहनों की बात करें तो 1.5 लाख वाहन लगभग, एग्जैक्टली हमारा कल रात तक का डाटा है, 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। 80 यात्रियों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है, 130 यात्रियों का खोया हुआ सामान वापस दिलाया है, 130 यात्रियों का, 54 घायलों की मदद की है, 350 पैदल यात्रियों की सहायता की है, जो कई बार नहीं चल पाते हैं उनको हमारे पुलिसकर्मी खुद अपने कंधों पर लेके जाते हैं, या उस तरह से सहायता की है। और जो फर्जी वो था बुकिंग, हेली बुकिंग, टिकट बुकिंग, उसमें हमने अभियोग पंजीकृत करके लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया। हेलीकॉप्टर की टिकट जो फर्जी बट रहे थे और रजिस्ट्रेशन फर्जी कर रहे थे, लगभग 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और जो हमारा ऑपरेशन मर्यादा है, जो पवित्रता को खत्म करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं तीर्थस्थलों की, उनके लगभग 20,000 लोगों के ग्रुप इनमें कार्रवाई की है, जो मुर्दन करते हैं, नशा करते हैं आदि।